दो दिन पहले बस बुकिंग एजेंट की धारदार हथियार से हुई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी अमित सांगी ने बताया कि पत्नी और बेटी के गायब होने के पीछे ससुर का हाथ होने के शक में मृतक के दामाद ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। छतरपुर में दो दिन पहले बस बुकिंग एजेंट की धारदार हथियार से हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या में शामिल मृतक के दामाद और उसके दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी अमित सांगी ने बताया कि मृतक की बेटी ने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, लेकिन कुछ दिन पहले मृतक के दामाद की पत्नी और बेटी गायब हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर मृतक के दामाद को शक था कि उसकी पत्नी और बेटी को उसके ससुर ने गायब किया है। इस शक के आधार पर वो अपने ससुर के पास गया और विवाद करने लगा। इस दौरान विवाद बढ़ने पर आरोपी दामाद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ससुर की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फरार हो गया। एसपी ने कहा कि हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो आरोपियों की अभी तलाश जारी है। टिकरिया टावर के पास रहने वाले एक बूट के बस कंडक्टर की हत्या हो गई थी। हत्या धारदार हथियार से की गई थी और मोहल्ले में उसके घर के पास काफी दूरी तक खून भी बिखरा हुआ था। इसमें एडिशनल एसपी छतरपुर, सीएसपी छतरपुर, टीआई कोतवाली अरविंद दांगी, साइबर प्रभारी और उनकी पूरी टीम को लगाया गया था और टीम ने लगातार काम करते हुए दो दिन के अंदर ही इस मर्डर का खुलासा किया है। इसमें अभी दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। एक मृतक का सगा दामाद है और एक जिसने कि खून लगे हुए कपड़े और हथियार छुपाने में मदद की थी वो व्यक्ति है। घटना में मुख्य रूप से तीन लोग शामिल थे, एक दामाद था, दो उसके अन्य दोस्त थे जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और दामाद जो है इसने मृतक की लड़की से शादी की थी 4 साल पहले और इसी पारिवारिक विवाद में अभी लड़की कहीं 20 दिन पहले कहीं चली गई थी, जिसकी अलग एक रिपोर्ट है और उसे लग रहा था कि इस सब में इनका मृतक का हाथ है और इसी बात को लेके दामाद और ससुर में विवाद हुआ और जिसके कारण दामाद और उसके साथ गए दो दोस्तों ने इसकी हत्या कर दी। इसमें पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इनको 10,000 रुपीज़ का कैश अवार्ड भी मेरे द्वारा दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।